इस प्रेजेंटेशन में हम पाइथन की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो पाइथन जो है वो गुडो वैन टूजुम ने बनाई थी। इस लैंग्वेज को बनाया गया था फरवरी 1991 के अंदर। इसका नाम पाइथन इसलिए रखा गया क्योंकि उस टाइम पे एक कॉमेडी सीरीज आती थी बीबीसी के ऊपर, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये नाम पाइथन उसी कॉमेडी सीरीज के नाम पे रखा गया। पाइथन जो है ये प्रोसीजरल अप्रोच भी फॉलो करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी। हमने पहले जैसे प्रोग्रामिंग की है पिछले साल, तो हमने देखा है कि हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं जिसमें हम, जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन है वो मैथ से जुड़ा हुआ है, तो हम मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख के उस फंक्शन को हम एक्सेस कर पाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी है इसमें। ये फ्री टू यूज़ है, नेट से हम उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन की वेबसाइट से और उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें इसके लिए कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते। पाइथन जो है ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस होके बनाई गई है। एक का नाम है ABC लैंग्वेज और एक का नाम है Modular 3। पाइथन पॉपुलर क्यों है, उसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर है, हम उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला फीचर है कि ये इजी टू यूज़ है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बताया कि जैसे हम मॉड्यूल का नाम लिख के और उसके बाद डॉट डाल के उसके फंक्शन का नाम लिख के उसको कॉल कर सकते हैं, इस चीज़ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है। ये हम आगे जाके सीखेंगे दोबारा से। उसके बाद है हमारे पास, ये एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। इसमें हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ हम इसमें लिख के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देके हम वो काम करवा सकते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन अगर हम इसको चलाना चाहें तो वो भी हमारे लिए, ये इसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है, हम उसमें कमांड्स को लिख के डायरेक्टली रन कर सकते हैं या फिर हम पूरा प्रोग्राम बना के प्रोसीजरल लैंग्वेज की तरह भी हम उसको रन कर सकते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट लैंग्वेज है इसलिए इसको कंप्लीटनेस कहा गया है। इसमें आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इसमें वेब डेवलपमेंट के अलावा एप्स भी बनाई जा सकती हैं, विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, गेम्स भी बनाई जा सकती हैं, काफ़ी सारे काम इसमें किए जा सकते हैं, इस वजह से इसको कंप्लीटनेस कहा गया है। दूसरा ये कि इसमें जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, उनके अंदर ये चल सकते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहा गया है। फिर ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, हमें इसके लिए कोई पैसे पे नहीं करना पड़ता और ये हमें खरीदनी भी नहीं पड़ती है, हम नेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके वैरायटी ऑफ यूजेज और एप्लीकेशंस हैं, इसमें हम फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, प्रोग्राम, कोई हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, कोई कोई जैसे स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर कोई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर कोई बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, वो भी हम इसमें बना सकते हैं। और इसमें गेम्स वगैरह, वेब एप्लीकेशंस वगैरह वो भी बनाई जा सकती हैं, उसके लिए भी सपोर्ट इसमें दी गई है। कुछ इसमें लिमिटेशंस भी होती हैं पाइथन के अंदर, जैसे कि ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है क्योंकि फास्टेस्ट लैंग्वेज जो है वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है और डायरेक्टली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। दूसरी बात ये कि इसमें लाइब्रेरीज जो हैं सी, जावा और पर्ल लैंग्वेज के मुकाबले इसमें कम लाइब्रेरीज गिवन है। तीसरा फीचर जो है वो ये है कि ये इतनी स्ट्रांग, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो टाइप बाइंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि आप इसमें एक वेरिएबल में अगर आप पहले नंबर स्टोर कर रहे हैं, बाद में उसी वेरिएबल में आप अगर कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो इजीली स्टोर हो जाती है। इसमें ऐसे कुछ रूल्स नहीं गिवन है कि ये उसमें स्टोर नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रांगली टाइप नहीं है। और ये इजीली इसमें कन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं है कि आप इस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करके किसी और लैंग्वेज में लेके जा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं उसको समझते हैं हम। जब भी हम कोई वर्ड्स लिखते हैं या फिर कोई सिंबल्स डालते हैं या फिर कोई नाम यूज़ करते हैं या फिर कोई ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो वो हमारे टोकन्स कहलाते हैं। टोकन्स में हमारे पास कीवर्ड्स,
आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स आ जाते हैं। इसमें अगर हम लिटरल्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट्स को हम लिटरल बोलते हैं। कोई नंबर है, जैसे कोई 10 हो गया, कोई 1 हो गया, कोई 2 हो गया, ये नंबर्स हैं, इनको हम लिटरल्स बोलेंगे। और अगर हमारे पास कोई साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, ये जो है इक्वल टू, ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। और अगर हम बात करें, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि फॉर हो गया, इन हो गया, इफ हो गया, ये हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। और कुछ चीज़ें जैसे हम जिनके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि उनको हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स बोल देते हैं। और कुछ हम इसमें सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कॉलन लगाते हैं हम कई बार, तो उसको हम पंक्चुएटर बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पंक्चुएटर्स। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और उनका प्रोग्राम के अंदर क्या यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं और उनका एक स्पेशल मीनिंग असाइन किया गया होता है। और कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं तो उस मीनिंग के अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसको अपने आप से ही समझ लेता है कि इसका मतलब ये है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन को परफॉर्म कर लेता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम एज ए आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल की नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इसमें ये नाम की लिस्ट एक हमें गिवन है, एंड है, डेल है, फ्रॉम है, नॉट है, वाइल है, एज, एलिफ है, ग्लोबल है, और है, विद, एसर्ट, एल्स, इफ, पास, यील्ड, ब्रेक, एक्सेप्ट, इम्पोर्ट, प्रिंट, क्लास, exec, इन, रेज, कंटिन्यू, फाइनली, इज, रिटर्न, डेफ, फॉर, लैम्डा, ट्राई। ये कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं। ये हमारे जो कीवर्ड्स हैं इनको हम जब भी यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में तो इनको इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, ये रिजर्व वर्ड्स रहते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को कोई नाम देते हैं या फिर किसी फंक्शन को कोई नाम देते हैं या क्लास या ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमारे इस प्लस टू में नहीं है, फंक्शंस का है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं तो उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसको नाम रखने के कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि नाम जो है वो कितना भी लंबा हो सकता है और उसका जो फर्स्ट करेक्टर है हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर भी हो सकता है। कभी भी डिजिट से, नंबर नंबर से, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से हमारा नाम जो है शुरू नहीं हो सकता। नंबर जो है लास्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस होता है। अपर केस में अगर हम एक बार लिख रहे हैं तो बाद में हम उसको लोअर केस वाले लेटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अपर केस की जगह अपर केस ही यूज़ होगा और लोअर केस की जगह लोअर केस ही यूज़ होगा। जो नाम हम रखते हैं वेरिएबल्स के, वो हम एज ए कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। कीवर्ड्स मतलब जो हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि कीवर्ड्स में हमारे पास इफ़ होता है, वाइल होता है, उनको हम एज ए वेरिएबल के नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। स्पेस भी अलाउड नहीं होता है, हम ये नहीं कर सकते कि कोई स्पेस दे दें बीच में, वो भी अलाउड नहीं होता है नाम देने वक्त। इस स्लाइड में कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स और कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलिड कौन कौन से हैं। जैसे कि ग्रेड पे लिखा हुआ है, इसमें जी और पी कैपिटल है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइल _12_2018 लिखा गया है, ये भी अलाउड है। जेम्स 007, ये भी अलाउड है। ग्रेड पे कैपिटल लेटर्स में लिखा गया, ये भी अलाउड है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है, इज मैरिड, ये भी अलाउड है। दो बार अंडरस्कोर आ रहा है, टू अंडरस्कोर अपडेट, ये भी अलाउड है। अब हम देखते हैं कि इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं। ग्रेड हाइफन डाल के पे लिख रहे हैं हम, हाइफन इज नॉट अलाउड। इसी प्रकार नंबर से स्टार्ट करते हुए 12_2018_file इस तरह से लिख रहे हैं हम, तो ये भी नहीं अलाउड है। डॉलर साइन से शुरू कर रहे हैं, ये भी नहीं अलाउड है। इफ़, क्योंकि कीवर्ड होता है, इफ़ कीवर्ड जो होता है, इस वजह से ये भी अलाउड नहीं है। रोल नंबर में डॉट लिखा हुआ है तो ये भी अलाउड नहीं है। रोल नंबर में स्पेस लिखा हुआ है तो ये भी अलाउड नहीं है। इस स्लाइड में हम देखते हैं लेटरल्स और वैल्यूज क्या होती हैं। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले वैल्यूज को स्टोर कराते हैं।
तो वैल्यूज को लिटरल कहा जाता है। ये कोई भी न्यूमेरिक फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है, इसकी वेरिएबल में जो वैल्यू है वो बदल सकती है, लेकिन वैल्यू अपने आप में सेम रहती है। और कई तरह की वैल्यूज होती हैं, एक स्ट्रिंग लेटर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज हो सकती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, बुलियन में ट्रू या फॉल्स एक प्रकार की वैल्यू हो सकती है। इसमें एक स्पेशल वैल्यू नन भी होती है, कई बार हमें लिस्ट में अगर कुछ एलिमेंट नहीं दिखाना है तो हम नन का यूज़ कर लेते हैं, और एक हमारे पास कलेक्शन भी हो सकती है। इस स्लाइड में हम समझते हैं कि स्ट्रिंग लेटरल्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग से हमारा मतलब अल्फाबेट्स के ग्रुप से होता है, जो कि हमारा सिंगल लाइन में भी हो सकता है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी हो सकता है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग जो होता है वो एक लाइन में इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम वर्ड लिख देते हैं वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाती है। मल्टी लाइन के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं और मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग में लास्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे केवी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं इन्वर्टेड कॉमा में, तो कॉमा कॉमा डाल के हम कुछ जो लिख रहे हैं ये मल्टीपल कैरेक्टर्स इसमें हम लिख पा रहे हैं, ये हमारे स्ट्रिंग्स कहलाएंगे। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एग्जाम्पल दिखाया गया है इसमें, जैसे कि कोई नाम है वो हमने दो लाइनों में लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, उसके बाद हमने 1/6 माल रोड लिखा, उसके बाद स्लैश डाल के कानपुर हमने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया। तो जब हम नाम को प्रिंट कराएंगे तो कंप्यूटर जो है वो उस पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देगा। ऐसे ही हम ट्रिपल कोट का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, एड्रेस इज इक्वल टू 3 बार कोट लगाया 1/7 प्रीत विहार के बाद हमने न्यू दिल्ली लिखा अलग लाइन में, इंडिया लिखा अलग लाइन में, जब हम एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो कंप्यूटर जो है ये इसको सबको अलग अलग प्रिंट कर देगा अलग अलग लाइन में, तो इसको हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं। कंप्यूटर में बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं, सभी में एस्केप सीक्वेंस यूज़ किए जाते हैं, या एस्केप करेक्टर्स भी बोलते हैं हम इनको। और ये जो करेक्टर्स होते हैं इनका जब हम अपने प्रिंट स्टेटमेंट में प्रयोग करते हैं तो हम जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हम ऑप्टेन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लाइन चेंज करने के लिए \n लिखा जाता है, प्रिंट में हम अगर \n का प्रयोग करते हैं तो उससे वो हम लाइन को बदल सकते हैं, अगली जो \n के बाद वाली जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। इस स्लाइड में साइज ऑफ स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। साइज ऑफ स्ट्रिंग वैसे तो इन्वर्टेड कॉमा में जब हम कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं तो हम उसके जितने अल्फाबेट्स लिखे गए हैं उसी को हम उसी के काउंट को साइज बोल सकते हैं, लेकिन जब हम एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे बेशक दो सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं डबल स्लैश, लेकिन वो कंप्यूटर जो है उसको 1 काउंट करेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है ABC का एक एग्जांपल, उसमें 3 काउंट करेगा, एक हमने लिखा हुआ है \ab, इसमें ये कंप्यूटर दो दो सिंबल काउंट करेगा, क्योंकि बैक स्लैश जब भी आता है और उसके बाद जो भी अल्फाबेट लिखा होता है उसको एक करेक्टर मानता है ये। और इसमें जैसे लिखा हुआ है मीरास, इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है बैक स्लैश के बाद लिखा गया है और उसके बाद ट्राई लिखा गया है, तो इसके लिए वो टोटल 11 साइज डिटरमाइन करेगा। ऐसे ही विकीज लिखा हुआ है हमने, तो इसमें वो 7 करेक्टर्स काउंट करेगा। वैसे इसमें पाइथन में हमारे पास len फंक्शन होता है जो कि लेंथ डिटरमाइन करके देता है स्ट्रिंग की। इस स्लाइड में हम पाइथन के न्यूमेरिकल लेटरल्स के बारे में जान लेते हैं। एक हमारे पास होता है इंटीजर लेटरल, इंटीजर लेटरल में आगे हमारे पास डेसिमल और ऑक्टल, डेसिमल में हमारे पास प्लस माइनस में कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, और ऑक्टल में हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो 0 और फिर ओ लिख के फिर स्टार्ट होती है, जैसे 0 O 10 लिखा हमने तो ये ऑक्टल वैल्यू मानी जाएगी, दैट रिप्रेजेंट्स ए डेसिमल वैल्यू 8। ये जो 0 O 10 है ये डेसिमल वैल्यू 8 के बराबर है। इस स्लाइड में हेक्साडेसिमल वैल्यू के बारे में बताया गया है। हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखने के लिए हम 0x लिखेंगे और उसके बाद जो भी हम लेटर लिखेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखेंगे कंप्यूटर उसको स्टोर कर लेगा, और बाद में जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इस स्लाइड में फ्लोटिंग पॉइंट लेटरल्स के बारे में बताया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट लेटरल्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट भी होता है और उसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है 12.0 -15.86 0.5 10 पॉइंट, 10 पॉइंट को 10.0 मानेगा ये।
ऐसे ही कई जगह पे अगर इसमें ये बताया गया है कि दो पार्ट्स में भी होता है, एक्सपोनेंट पार्ट भी होता है एक हमारा, ये तो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, और दूसरा हम एक्सपोनेंट पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हम लिखने का जो हमारा तरीका रहता है वो ये भी हो सकता है कि जैसे 10.5 है उसको हम 0.105 इंटू 10^2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 10^2 को e02 भी लिखा जा सकता है। जिसमें 0.105 जो है वो मेंटीसा होता है और 02 जो है वो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1+0j। इसमें 1 जो हो गया वो रियल पार्ट हो गया और 0 जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट को 1.0 लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को 0.0 लेंगे। इसमें हम बुलियन लेटर्स के बारे में बात करेंगे। बुलियन लेटर्स हमारे ट्रू फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेरिएबल में हम ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, वो हमारा बुलियन लेटर कहलाएगा। जैसे कि नीचे बताया गया है, इज मैरिड इज इक्वल टू ट्रू, और अगर हम टाइप देखेंगे इसकी, इज मैरिड की, तो ये हमें टाइप फंक्शन जो होता है ये उसके बताता है कि किस तरह का डाटा उसमें स्टोर है। तो ये बताएगा क्लास बूल, इसका मतलब ये है कि बुलियन लेटरल वैल्यू उसमें स्टोर है। हमने पहले बात की थी कि हम किसी भी वेरिएबल में अगर नन स्टोर करेंगे तो कंप्यूटर उसके अंदर नन टाइप स्टोर कर लेगा। नन का मतलब होता है खाली, और कंप्यूटर क्योंकि हम उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करना चाह रहे तो अगर हम उसकी टाइप चेक करेंगे तो वो नन टाइप दिखाएगा हमें। इस स्लाइड में हम ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स की बात करेंगे। जो वैल्यूज होती हैं उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं, और उनके बीच में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं वो हम किसी ऑपरेटर की मदद से करते हैं, तो उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि इसमें 10+25 लिखा गया है तो प्लस इसमें ऑपरेटर है और 10 और 25 जो है वो ऑपरेंड्स हैं। इस स्लाइड में पाइथन में यूज होने वाले सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके अलावा हमारे पास परसेंटेज होता है रिमाइंडर लेने के लिए, और दो बार स्टार होता है किसी की पावर कैलकुलेट करने के लिए, और डबल स्लैश होता है हमारे पास जब हम फ्लोर डिवीजन करना चाहते हैं। तब फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है अगर हम 5 को डिवाइड करें 2 से तो 2.5 ना आंसर आके खाली 2.0 आंसर आएगा। ऐसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ग्रेटर देन साइन है, लेस देन साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये कभी भी हमने जब भी डिसीजन लेना होता है तब हम इस रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है, उसके बेस पे हम कोई आगे डिसीजन लेके काम कर सकते हैं। लॉजिकल डिसीजन होते हैं जब हम दो कंडीशंस को इकट्ठा ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड और से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइडेंटिटी होता है चेक करने के लिए कि वो चीज़ उसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो इज और नॉट इज, इस तरह से हमारे पास होता है। उसके बाद असाइनमेंट, असाइनमेंट में इक्वल टू होता है हमारे पास। हम एक वैल्यू जब दूसरे को असाइन करते हैं या फिर किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 10, तो 10 वैल्यू जो है वो ए को असाइन हो जाती है। ऐसे ही मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, इन और नॉट इन, ये चेक करने के लिए कि वो जो लेटर है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो चीज़ अगर हमने चेक करनी है तो वो हम इन और नॉट इन से चेक कर लेते हैं। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे, जैसे हम ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 लिखना चाहते हैं तो हम ए प्लस इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। तो ये इसी तरह से हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं जो हम अर्थमेटिक असाइनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं कि पहले जो भी हम नंबर उसमें स्टोर करते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंड और उसके अलावा इसमें नॉट होता है, और नॉट के अलावा इसमें हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, और एक्सक्लूसिव और भी होता है। इस स्लाइड में हम पंक्चुएटर्स को समझ लेते हैं कि पंक्चुएटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। जैसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, हैश साइन यूज़ करते हैं, डॉलर साइन यूज़ करते हैं, एट द रेट साइन यूज़ करते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इक्वल टू यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, डॉट, दे ऑल आर कॉल्ड पंक्चुएटर्स। इस स्लाइड में हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम बेयर बोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम बोल सकते हैं। इसमें डेफ लिख के सी
CU के नाम से एक फंक्शन बनाया गया है और उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी गई है। फंक्शन के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। हमारे पास जो आगे चैप्टर आएगा उसमें फंक्शन के बारे में बताया गया है कि फंक्शन कैसे बनते हैं और कैसे हम खुद उनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है इसमें कॉल करके भी दिखाया गया है और फंक्शन बना के भी दिखाया गया है। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम के अंदर हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं उनको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, और उसके बाद हम कंडीशन स्टेटमेंट हम कोई लिख रहे हैं, और कमेंट्स दिखाए गए हैं इसमें। कमेंट्स हम शुरू में भी लिखे हुए हैं उसमें हैश साइन डाल के, और बीच में भी इफ स्टेटमेंट वाली लाइन में भी हैश साइन डाल के लिखा हुआ है, उसको इनलाइन कमेंट बोलेंगे हम। और इफ को जब हम यूज़ करते हैं तो इट बिकम्स ए ब्लॉक, ब्लॉक बन जाता है हमारा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करें, नहीं तो मतलब एल्स के लिए हम नहीं तो यूज़ करते हैं, और प्रिंट वैल्यू इज़ लेस देन 100, ये इस तरह से एल्स में ये प्रिंट करेगा। इस स्लाइड में वेरिएबल के बारे में बताया गया है। वेरिएबल हमारी टेम्परेरी लोकेशन होती है। जिस टाइम हमारा प्रोग्राम चलता है उस वक्त हमें कोई वैल्यू अगर स्टोर करनी होती है तो उसको स्टोर रखने के लिए हमें एक वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, और बाद में हम उन वेरिएबल्स का यूज़ करके हम अपने जो कैलकुलेशन के रिजल्ट्स हैं उनको हम प्रिंट भी करा सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि एक नम है, नम नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर हम 100 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेम नाम से वेरिएबल है जिसमें हम जेम्स स्टोर कर रहे हैं। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे स्टोरेज कंटेनर की तरह काम नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पहले रेडियस में 100 स्टोर किया और बाद में हमने उसमें 500 स्टोर किया, तो अगर कोई और लैंग्वेज हो तो वो क्या होगा कि उनका मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा और खाली वैल्यू ही चेंज होगी। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या होता है कि आप एक वैल्यू जब एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और जब दोबारा से अलग वैल्यू स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर जो है उस नए वैल्यू को एक नई जगह पे स्टोर करता है। इस स्लाइड में वेरिएबल का एग्जांपल लेके समझाया गया है कि पाइथन में जैसे रेडियस एक वेरिएबल है और उसको हमने 100 वैल्यू स्टोर की शुरू में, तो उसको एक मेमोरी एड्रेस मिला 3568। बाद में जब हमने रेडियस में 700 स्टोर किया तो उसका एड्रेस भी बदल गया। हालांकि ये दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। दूसरी लैंग्वेजेस में सेम रहता है वो मेमोरी एड्रेस और खाली वैल्यू ही बदलती है, लेकिन पाइथन में वैल्यू के बदलते ही हमारा एड्रेस भी बदल जाता है। मतलब कि वेरिएबल जो है एज ए कंटेनर यूज़ नहीं होता, उसमें हमेशा ही उसको एक नया एड्रेस मिल जाता है। इस स्लाइड में डायनेमिक टाइपिंग के बारे में बताया गया है। डायनेमिक टाइपिंग में हमारा जो मतलब है वो यही है कि पहले हम उस वेरिएबल में 100 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बाद में न्यूमेरिक वैल्यू को छोड़ के हम उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, KVOEF। तो ये जो है अब स्ट्रिंग वेरिएबल बन चुका है, तो इस चीज़ को डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। इस स्लाइड में शो किया गया है कि किस प्रकार पहले एक्स वेरिएबल में हमने 100 स्टोर किया, फिर बाद में उस 100 को हटा के उसकी जगह पे एक नई स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर दिया। इसमें ये कहा गया है कि डायनेमिक टाइपिंग में किस प्रकार हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले हमने उसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रखी थी और बाद में हमने उसमें जब स्ट्रिंग स्टोर कर दिया और हम दोबारा उसमें डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमें एरर शो करेगा। वो तो बट नेचुरल है कि आपकी स्ट्रिंग को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वो एरर शो करेगा। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि डायनेमिक टाइपिंग हम इसमें यूज़ तो करते हैं लेकिन एक ही वेरिएबल में एक ही प्रकार की वैल्यू को यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर हम उसमें वैल्यू पहले न्यूमेरिक स्टोर करते हैं बाद में स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो इस तरह की डिफिकल्टी, इसमें इस प्रकार का एरर आना निश्चित है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार डायनेमिक टाइपिंग जो है स्टैटिक टाइपिंग से डिफरेंट होती है। स्टैटिक टाइपिंग में डाटा टाइप को अटैच कर दिया जाता है ताकि वेरिएबल में सिर्फ उसी डाटा की वैल्यू, उसी डाटा टाइप की वैल्यू ही स्टोर हो सके, और डायनेमिक टाइपिंग में ये एडवांटेज रहता है कि आप उसमें एक ही वेरिएबल में आप पहले उसमें कोई और प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बाद में उसकी टाइप चेंज करके कोई और तरह की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। इस स्लाइड में मल्टीपल असाइनमेंट्स
को दिखाया गया है, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 50। इसका मतलब ये हो गया कि 50 वैल्यू जो है वो सी में भी आएगी, वो बी में भी आएगी और ए में भी आएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए की वैल्यू भी 50 है, बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू भी 50 है। ऐसे ही अगर हम देखें नीचे ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 11, 22, 33, इसका मतलब ये हो गया कि 11 वैल्यू जो है वो ए में जाएगी, 22 वैल्यू बी में जाएगी और 33 वैल्यू सी में जाएगी। कंप्यूटर जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करता है पहले और उसको फिर लेफ्ट हैंड साइड को दे देता है। ये मल्टीपल असाइनमेंट्स का एग्जांपल दिया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारी वैल्यूज़ जो हैं इवेल्यूएट की जाएंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और नीचे एक आउटपुट गेस करने के लिए एक कोड फ्रेगमेंट दिया गया है जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप कैलकुलेट करके देखेंगे। इसमें हम मल्टीपल असाइनमेंट का एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम वाई कॉमा वाई इज इक्वल टू 10, 20 लिखते हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले 10 वैल्यू वाई को असाइन की जाएगी, जो फर्स्ट वाला वाई है उसको, और फिर उसके बाद जो सेकेंड वाई है उसमें वाई की जो वैल्यू है वो 20 असाइन की जाएगी। तो इस प्रकार से लास्ट में जो फाइनल वैल्यू वाई की रह जाएगी वो 20 रह जाएगी। अगर हम वाई को प्रिंट करा के देखेंगे तो वो हमें 20 प्रिंट करेगा। नीचे की जो आउटपुट है वो स्टूडेंट्स केस करेंगे कि क्या होता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। हम किसी वेरिएबल के अंदर इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे और ब्रैकेट में हम उसके मैसेज को डिस्प्ले करेंगे जो हम चाहते हैं कि मैसेज हमारा स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि मार्क्स इज इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट में लिखा गया है एंटर योर मार्क्स इनवर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। तो जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि एंटर योर मार्क्स लिखा हुआ आएगा, फिर कीबोर्ड से जो हम मार्क्स डालेंगे दैट मे बी स्टोर्ड इन मार्क्स वेरिएबल, वो मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें टाइप की बात करें मार्क्स की, तो अभी ये हमें str बताएगा। ये जो स्ट्रिंग इसलिए बताएगा क्योंकि ये जो 100 है, ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमारा कोई भी वैल्यू लेता है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही वेरिएबल को देता है। तो अगर हम उसको स्ट्रिंग में से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंट फंक्शन होता है, इंट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि किस प्रकार हम सैलरी वेरिएबल में इनपुट फंक्शन का यूज़ करके अगर हम वैल्यू ले भी लेते हैं और बाद में हम बोनस कैलकुलेट करते वक्त सैलरी वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो वो हमें एरर शो करेगा। इस स्लाइड में इनपुट फंक्शन के साथ इंट और फ्लोट फंक्शन कैसे यूज़ करना है वो बताया गया है। यहाँ पे हम इनपुट लिखने से पहले इंट फंक्शन शुरू करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और उसका ब्रैकेट लास्ट में जाके बंद करेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू से कन्वर्ट होके इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगा। अगर हम फ्लोट यूज़ करेंगे तो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ भी हम स्टोर कर पाएंगे और वो हमारी वैल्यूज़ वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। और अगर हम उनकी टाइप भी चेक करें तो वो हमें फ्लोट दिखाएगा। ऐसे ही अगर हम उसकी टाइप चेक करेंगे एज की तो वो हमें इंटीजर दिखाएगा, इंट दिखाएगा। इस स्लाइड में हम प्रिंट फंक्शन की बात करेंगे। प्रिंट फंक्शन आउटपुट को दिखाने के लिए होता है। जिस प्रकार इनपुट फंक्शन हमारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है उसी तरह से प्रिंट फंक्शन हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए होता है। प्रिंट फंक्शन में हम डायरेक्टली जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं मैसेज वो भी लिख सकते हैं और उसके अलावा कॉमा डाल के हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया जा सके। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स शो किए गए हैं। इस स्लाइड में प्रिंट फंक्शन का ही यूज़ दिखाया गया है। पहले हम इसमें आर वेरिएबल में इनपुट लेंगे और फिर हम प्रिंट के अंदर कैलकुलेशन करते हुए रिजल्ट को भी प्रिंट कराएंगे और साथ में एरिया ऑफ सर्कल भी प्रिंट होगा। एग्जाम्पल 5 के अंदर हमारे पास हमने कुछ नाम को कॉमा कॉमा सेपरेट करके लिखा है तो आउटपुट में हमारे पास वो नाम स्पेस के साथ सेपरेटेड आएंगे। इसमें हमने कुछ नाम दिया है और बाद में बीच में एस सी पी इज इक्वल टू डबल स्टार लगा दिया है तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर था वो हमारा स्पेस था पहले वाले एग्जाम्पल में। इसमें हमारा जो सेपरेटर है वो चेंज हो गया है,
अब उसकी जगह पे डबल स्टार प्रिंट हो रहा है बीच में स्पेस की जगह पे। ऐसे ही प्रिंट फंक्शन में एंड का मतलब समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया गया है। जैसे अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट में पहले लर्निंग पाइथन फिर डेवलप्ड बाय गुडो वैन रिज़म लिखते हैं तो ये दोनों के दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। अपने आप ही बैक स्लैश एन ये एंड में यूज़ कर लेता है और हर एक लाइन को अलग लाइन में प्रिंट करता है। अगर हम यहाँ पे एंड इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा खाली छोड़ देंगे तो उससे वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा। इसमें देखिए इसमें एंड को हटा दिया गया है और एंड में एक स्माइली फेस लगा दिया है तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसमें भी वो स्माइली फेस आ रहा है और लाइन चेंज नहीं हो रही है, सिंगल लाइन में आउटपुट आ रही है। अगर हम स्माइली फेस की जगह सिंगल स्पेस दे देंगे वहाँ पे तो यहाँ पे भी हमारे पास लर्निंग पाइथन के बाद एक स्पेस आ जाएगा और फिर डेवलप्ड बाय गुडो वैन रिज़म लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक सिंपल प्रोग्राम है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। पहले हमने नम वन लिया है, नम वन में एक नंबर इनपुट करवाया, नम टू में हमने एक नंबर इनपुट करवाया, नम थ्री में हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया है और रिजल्ट में हमने नम थ्री को, क्योंकि रिजल्ट हमारा नम थ्री में स्टोर हो चुका है, हमने उसको प्रिंट करा दिया है। तो इनपुट हमारा कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए होता है, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, और प्रिंट जो होता है वो आउटपुट दिखाने के लिए होता है। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे और उसके बाद उसको रन करके देख सकते हैं। जो हमने अभी तक प्रोग्रामिंग सीखी है उस बेस पे ये प्रोग्राम हम खुद करके देख सकते हैं। जैसे इसमें WAP का मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम, और इसमें बताया गया है कि कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पैरामीटर का फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम उसका यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी तरह से रेडियस एंटर करा के और एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। फाइव सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करा के उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। हमने कोई फीट्स में डिस्टेंस लेके उसको इंचज़ में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। फेरनहाइट टेम्परेचर से सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला इसमें अगर हमें मालूम है तो वो हम प्रोग्राम बना के देख सकते हैं। और एक प्रोग्राम हम रेडियस हाइट लेके सिलेंडर की और हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा के और लास्ट में रिजल्ट प्रिंट करा सकते हैं। हम कुछ डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पाइथन में हमारे पास डायनेमिक टाइपिंग होती है तो हमें अलग अलग डाटा टाइप्स की बारे में जानने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक इंट होता है, एक फ्लोट होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बारे में हम एक बार पहले भी देख चुके हैं कि क्या क्या है। उसके अलावा पाइथन जो है हमारे स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करता है, लिस्ट को सपोर्ट करता है, टपल को सपोर्ट करता है, डिक्शनरी को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे अगर हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करें कभी भी तो ये सारे हमारे डाटा टाइप्स कहलाएंगे पाइथन के अंदर। इस स्लाइड में नंबर्स के बारे में बताया गया है। नंबर्स हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमारे नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखते हैं। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीजर जो होते हैं हमारे वो डेसिमल नंबर के बगैर होते हैं, उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। बुलियन जो होते हैं हमारे पास उसमें ट्रू और फॉल्स हो सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं हमारे इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है और हमारे पास एक्सपोनेंट पार्ट भी होता है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मेंटीसा बोला जाता है, जो एक्सपोनेंट पार्ट है उसको हम ई और समथिंग वैल्यू लिख के लिख सकते हैं। पाइथन के अंदर जो है 15 डिजिट प्रिसीजन होती है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, इसका मतलब अप टू 15 डिजिट तक करेक्ट आंसर दे सकता है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बात की थी कि हमारे पास रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और जो प्लस डाल के हम जे के साथ लिखते हैं वो हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 प्लस 3.54 जे। इसमें बाद में हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को प्रिंट कराया हुआ है। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर हम यूनिकोड कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे जैसे इसमें बताया गया है कि
हम कैपिटल लेटर्स में लर्निंग लिख रहे हैं या फिर 135 लिख रहे हैं, ये भी हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। जब भी कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डॉलर डॉलर सिंबल सिंबल और साथ में हैश हैश सिंबल डाला हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग। भारत हिंदी में लिखा हुआ है, हालांकि ये जो हम कीबोर्ड से यूनिकोड कैरेक्टर से ही टाइप कर सकते हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग होता है हमारा, उसके अंदर हमारे पास उसकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग आगे से जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बैक साइड से जब स्टार्ट होती है तो हमारे पास -1, -2, -3, तो इसको बैकवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। इस स्लाइड में हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट क्या होती है? जब भी हम कोई चीज़ स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे कि ये स्क्वेयर ब्रैकेट में 10, 20, 30, 40, 50 लिखा गया है, इसको हम लिस्ट बोलेंगे। ऐसे ही हमारे पास स्क्वेयर ब्रैकेट में अगर हम अल्फाबेट्स भी लिख रहे हैं, AEIOU सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये भी हमारी लिस्ट कहलाएगी। ऐसे ही हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं, कोई डेसिमल वैल्यू लिख रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू, तो ये भी हमारी एक लिस्ट कहलाएगी। ये लिस्ट के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। लिस्ट हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट से बनाई जाती है और ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद द कॉमा। नीचे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मॉम डैड सिस ब्रदर, ये एक फैमिली का लिस्ट बनाई गई है, और फिर उसके बाद प्रिंट करके हमने फैमिली को प्रिंट किया, तो लिस्ट पूरी की पूरी प्रिंट हो गई है। लिस्ट हमारी मॉडिफाइएबल होती है, इसलिए हम उसको म्यूटेबल बोलते हैं, और टपल हमारा नॉन म्यूटेबल होता है, नॉट मॉडिफाइबल होता है, या फिर हम इसमें कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हम स्टोर करते हैं वो वही स्टोर रहती है, उसको बदला नहीं जा सकता। टपल को बनाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। इंस्टेड ऑफ स्क्वेयर ब्रैकेट्स इन द लिस्ट वी हैव राउंड ब्रैकेट्स हेयर। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट हम देख रहे हैं फेवरेट्स के अंदर, जैसे इसमें बताया ब्लू, क्रिकेट, गाजर का हलवा, ये फेवरेट्स हैं। फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर 1 लिखा हुआ है, ये रोल नंबर है मे बी, और फिर उसके बाद नाम लिखा हुआ है अमन, फिर उसके बाद उसके मार्क्स लिखे हुए 97.5। तो ये हमारे पास, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट में लिखा गया है इसलिए इसको टपल कहा जाएगा। डिक्शनरी एक अलग डाटा टाइप है हमारे पास, ये अनऑर्डर्ड सेट होता है और उसके अंदर की वैल्यू पेयर बने होते हैं, जैसे कि रोल जो है इसमें, जैसे स्टूडेंट के अंदर रोल लिखा हुआ है, रोल एक कॉलन लगा के 1 लिखा हुआ है, नेम कॉलन लगा के जगह लिखा हुआ है, कॉमा डाल के पर 91.5 लिखा हुआ है। तो ये जो रोल नेम और पर है ये हमारी कीज हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो है 1, जग्गा और 91.5। तो ये कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है, इसको हम जब भी हम की वैल्यूज को कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखते हैं तो उसे हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो ये डिक्शनरी का एग्जांपल हो गया। नीचे और भी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे वैल इज इक्वल टू 1:100, 2:300, 4:900, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज हैं और काफ़ी सारी कीज भी हैं। अगर हम प्रिंट वैल्यू लिख के स्क्वेयर ब्रैकेट में की का नाम लिख देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल होती है, इसमें भी चेंजेस करना पॉसिबल है, हम किसी भी डिक्शनरी के किसी भी वैल्यू को बाद में बदल सकते हैं, जैसे कि नीचे बदल के दिखाया गया है कि वैल 2 इज इक्वल टू 1000 कर दिया, तो इसमें 2 पे पहले 300 स्टोर था, अब उसमें 1000 स्टोर हो जाएगा, तो जब हम बाद में लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो वो कर्ली ब्रैकेट में ये इस प्रकार से चेंज्ड वैल्यू हमें शो करेगा। ये डाटा टाइप की समरी है और डाटा टाइप को ट्री की फॉर्म में शो किया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, नन होता है, सीक्वेंस होते हैं और मैपिंग होती है। मैपिंग में हमने डिक्शनरी पढ़ी है अभी, सीक्वेंस में हमारे पास स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। नंबर्स में हमने इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं। और इंटीजर में हमारे पास बुलियन भी होते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स रहता है हमारा। म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। मैंने बताया था कि म्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें चेंजेस हम कर सकते हैं और इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू
एंड प्लेस, जैसे कि इसमें दिखाया गया है इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, ये हमारे इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब जिनमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। इम्यूटेबल टाइप में ये दिखाया गया है कि एग्जांपल लेके किस प्रकार हमारे पास वेरिएबल्स के जो एड्रेसेस हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल बताया गया है कि ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब जो वैल्यू ए में स्टोर है उसी को ही बी भी रेफर कर रहा है, और सी इज इक्वल टू 15, सी एक अलग वैल्यू को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे हमने आईडी, एक हमारे पास फंक्शन होता है जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को जानने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ पे आईडी ब्रैकेट में ए लिख दिया तो ए का एड्रेस हमें पता लग जाएगा। अगर आईडी ब्रैकेट में बी लिख दिया तो उससे भी हमें सेम एड्रेस पता लग रहा है, और आईडी ब्रैकेट में सी लिख दिया तो इससे एक हमें एक नया एड्रेस पता लग रहा है। तो इस तरीके से इसमें काम हो सकता है। इम्यूटेबल टाइप में हमारे पास जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, और वैल्यूज भी चेंज नहीं होती हैं। इस स्लाइड में इम्यूटेबल टाइप में जैसे हमने वेरिएबल्स में पहले कुछ और वैल्यू स्टोर थी, अब हमने उसमें नई वैल्यू स्टोर कर दी है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसका एड्रेस ही चेंज हो गया है, अब उसमें नया एड्रेस आ चुका है। इस स्लाइड में भी वही बात कही गई है कि वेरिएबल्स जो हैं वो कंटेनर की तरह नहीं होते, और फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस के ऊपर ही वो नहीं रहते और अपनी एड्रेसेस को भी चेंज करते रहते हैं। इस स्लाइड में हम म्यूटेबल टाइप के बारे में हम जान लेते हैं कि म्यूटेबल टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एक होता है लिस्ट, एक डिक्शनरी, एक सेट्स। हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, लिस्ट हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट से शुरू होती है और स्क्वेयर ब्रैकेट पे एंड होती है, और हम लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को अगर देखना चाहते हैं या फिर कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉई 3 लिखा हुआ है, पहले जो वैल्यू थी इसमें 67,000 स्टोर थी, अब हम उसमें नई वैल्यू 75,000 स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉई स्क्वेयर ब्रैकेट में 3 इज इक्वल टू 75,000 लिखा गया है। अब हम जब प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय का आईडी तो हमारा सेम रहेगा, चाहे बेशक वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाए, इसमें एड्रेस सेम रहता है म्यूटेबल के अंदर। और इम्यूटेबल में हमारा एड्रेस जो है वो बार बार जंप करके चेंज हो रहा था। इस स्लाइड में वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की गई है कि हमारे तीन मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है हम जो वेरिएबल की टाइप, एक होती है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, एक उसका एड्रेस। तो एड्रेस हम आईडी से जानते हैं, और वैल्यू से वैल्यू, और टाइप से टाइप हम पता कर सकते हैं। इस स्लाइड में ये बताया गया कि किस प्रकार हम टाइप फंक्शन का यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप को जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ए वेरिएबल के अंदर अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी है तो जब हम टाइप ए करेंगे तो वो क्लास इंट बताएगा। अगर उसमें हम इंटीजर वैल्यू की जगह पे बुलियन वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो जब हम टाइप देखेंगे तो क्लास बूल बताएगा, और अगर हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में लिख के कुछ भी तो वो क्लास स्ट्रिंग्स हमें डिस्प्ले करेगा। अगर हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे तो नन टाइप शो करेगा हमें। जैसे कि मैथ्स में हमारे पास बोर्ड मास फार्मूला होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है, उसके बाद डिवीज़न की जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद प्लस माइनस किया जाता है। उसी तरह से हमारे पास इसमें भी जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसका प्रिसिडेंस होता है, प्रिसिडेंस मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो पाइथन जो है उस प्रिसिजन, उसी प्रिसिडेंस के अकॉर्डिंग हमारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता है। इस स्लाइड में टाइप कास्टिंग के बारे में बताया गया है। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि पहले अगर मान लो कोई वैल्यू किसी डाटा टाइप में है और बाद में हम उसको कन्वर्ट करके किसी और डाटा टाइप में यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे इसमें एसटीआर के अंदर सिंगल इनवर्टेड कॉमा में 100 लिखा गया है तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है 100। अब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नम किंग इज इक्वल टू, हमने लिख के इंट ब्रैकेट में एसटीआर लिख दिया है, तो इससे ये जो वैल्यू है न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर बाद में हम इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। पहले
पहले अगर हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें स्ट्रिंग का एरर देगा। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि हमारे पास जैसे मैथ लाइब्रेरी होती है कंप्यूटर के अंदर, तो मैथ लाइब्रेरी को जब हम मैथ मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, और मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इम्पोर्ट लिख के उस मैथ लिखने से वो मैथ लाइब्रेरी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ जाती है, और फिर बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर हम एसक्यूआरटी फंक्शन, पावर फंक्शन, या फिर साइन कॉस टेन फंक्शन, या फिर फ्लोर फंक्शन, या फिर लॉग फंक्शन, कोई भी फंक्शन हम उसमें यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में।